बिल्लू बिल्लू और बिल्लू सांडा। ओके गाइस, वी आर सेइंग बाय टू मॉली, सैमुएल एंड मिस्टर बेन। भाई फाइटर जेट्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो रखे हैं, अगर तुम्हें आवाज आ रही है। किसी भी दुकान में चले जाओ, तुमको लगे कि ये पढ़ा लिखा आदमी है तो वो तुमको बेवकूफ नहीं बनाएगा। बाहर से तो खूबसूरत है ही, अंदर से और खूबसूरत दिखेगा। जो फोर्ट के अंदर वाला एरिया, उसे जैसलमेर कहा जाता था जब ये बना। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और भारत भ्रमण के एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निर्मित शर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग निर्मित के व्लॉग्स। मैं अभी तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मेरी सुबह कहाँ पर हुई है 12वें एपिसोड की। भाई तुम भाई भौचक के रह जाओगे मार्क से। देखो हाँ भाई, सनराइज हो रहा है और ये मैं रेत के बीचों बीच, आसमान की ऊंचाइयों में रेत के बीचों बीच आज हमारी सुबह हुई है। नितीश भाई सो रहे हैं यहाँ पर, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना वहाँ पर मस्त गोप्रो सेट कर दिया है, उसे टाइम लैप्स आता रहेगा और ये सोते रहेंगे जब तक टाइम लैप्स कंप्लीट नहीं होता। मिस्टर बेन हैज वेक अप और तुम्हारा भाई चाय पी रहा था अभी, थोड़ी सी ठंडी यहाँ पर रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी भाई, नींद प्रॉपरली पूरी नहीं हो पाई क्योंकि ठंड से बार बार मैं जगे जा रहा था और इन रजाइयों में भी ठंड लग रही थी। साली ये रजाई फटी हुई हैं, इनमें से हवा निकलती है, पास हो रही थी तो थोड़ा ऐसा ही रहा सिस्टम। ओवरऑल ठीक एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस करना ज़रूरी था ये भी, बट वो बात नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी बाल थोड़े मेस्ड अप दिख रहे होंगे तुम लोगों को क्योंकि भाई सिस्टम ऐसा ही था यहाँ पे, थोड़े बड़े भी हो रखे हैं बाल, मैंने ट्रिम भी नहीं करवाए हैं। बस यही है सीन, अभी चाय चल रही है, चाय पी रहे हैं, ये वाला व्यू एंजॉय कर रहे हैं। बाकी ये लोग ब्रेकफास्ट बना ही रहे हैं, थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट खा के यहाँ से निकल जाएंगे भाई। ठीक है, बाकी बातें करते हैं बाद में, बाय। ये ब्रेकफास्ट है भाई, वो मामू धो रहा है नितीश, ये ब्रेकफास्ट है। वी हैव ऑरेंजेस, बनानास, वी हैव सैमुअल टू टू ईट ऑरेंज एंड व्हाट इज दैट लाइक दिस। ओके बिस्किट्स, वी हैव बिस्किट्स टू, या और भाई देख लो अंडा भी है। बस यही ब्रेकफास्ट है यहाँ डेजर्ट के बीच में और हम बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे ब्रेकफास्ट में, वो तो बुफे सोच रहा था बंदा, समझ रहे हो। बट अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा, लेट्स गो। हे अगेन अगेन यार, डिड यू मिस इट? आई एम वरीड इट्स गोना गेट स्टक इन माय टॉन्सिल्स। ओके गाइस, सी See Samuel's throw. Oh! Ready? Okay. My mouth isn't very big. बस यही है एक्टिविटी। Yes! Yeah. I'm gonna close my mouth as well. So that was भाई, भाई हम थंबनेल के लिए यहाँ पर खड़े थे कि थंबनेल के लिए फोटो लेंगे। भाई ये 5 मिनट से टॉयलेट कर रहा है ऊँट और 5 मिनट से करे ही जा रहा है। इतना पीता है फिर इतना टॉयलेट करता है, क्या बताऊँ तुम्हें। फिलहाल यहाँ से निकलने का समय होता जा रहा है, सारा काम हमारा हो चुका है यहाँ से। हाँ, ये झोपड़ी है, यहाँ पर हम सोए थे। तो भाइयों यहाँ से निकलने का समय हो चुका है, बेड वेड उठा के मतलब खाट वाट उठा के साइड में लगा दी है। बढ़िया, क्या कह रहे हैं अंकल, इसको लगता है दोपहर का खाना खाना ही नहीं है, सारा अभी खा रहा है बैठ के। कोई नहीं, ऐसे मत बोल भाई, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, अंकल बोल रहे हैं। वैसे भी क्या ही दिया है इन्होंने, वो कह रहे हैं भाई। तो भाई ये उठा के साइड में लगा रहे हैं सब, बाकी यहाँ से निकल रहे हैं। फिलहाल हमारे कैमल्स तैयार हो चुके हैं, वो भाई साहब बर्तन धो रहे हैं, यहाँ पर रेत से ही बर्तन धो देते हैं रेगिस्तान में, थार डेजर्ट में हम फिलहाल, तो रेत से ही बर्तन धो देते हैं।
और उसी में फिर खा लेते हैं हम लोग, और उसी में कैमल हकता मुकता है भाई। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा, बट इट्स ऑल राइट। ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बट आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस मोर ऑफ दिस, मतलब मुझे और थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस करना था, बस यही है। बट कोई बात नहीं, बेट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ तो हुआ एक्सपीरियंस, अब आगे चल के हमको ध्यान रहेगा कुछ चीज़ों के बारे में, और हम उसी समथिंग बेटर देन नथिंग, हाँ वही बोला मैंने भी, तो याद रहेगा हमें, और हम हो सकता है कि अगली बार थोड़ा बेटर पैकेज लें, है भाई। अगली बार जब हम अपनी हमने बेटर ही सोच के लिया था, सोचा तो बहुत कुछ था, सोचा तो बहुत कुछ था, जैसे बात कर रहे थे, मतलब क्या सोचा और क्या निकला, खोदा पहाड़ निकली चुनिया। चलो कोई बात नहीं गाइस, फिलहाल चलते हैं, सिस्टम हैंग कर देंगे आज, जैसलमेर घुमा देंगे तुम लोगों को, पूरा देंगे तड़कता भड़कता सा व्लॉग, लेट्स गो। तो टाइम टू गो, और ये हमने अपना बैग उठा लिया है, थैंक्स सैम। एंड I don't like my wallet, it's got too many flyers. हाँ? Got too many flyers. Yeah, yeah, yeah. तो भाई हम अपने कैमल पर बैठ चुके हैं, मॉली इज विद मी और आई एम विद मॉली, व्हाटएवर यू वांट टू से, और मिस्टर बेन वहाँ पर बैठ गए हैं, नीतीश इस पे बैठा हुआ है भाई, धूप लग रही है माथे पे, तो माथा हो गया काला बहुत ज्यादा। Mine's got the most weight on it. Like it's got two people. It's also got like all the water. It's also got all the water. Water and a lot of stuff. यहाँ पर एक और कैंप साइड है, हमारे कैंप साइड के काफ़ी ज़्यादा करीब है ये वाली, और हमें लग रहा था कि यही होगी हमारी, क्योंकि शायद यहाँ पर टेंट भी थे। क्या सिस्टम है भाई, यहाँ पर कैंप्स थे बट हमको कैंप्स नहीं मिले, ओपन में सोना पड़ा। ज़्यादा दूर नहीं है वैसे तो, 1 किलोमीटर बोलते हैं ये लोग, बट 1 किलोमीटर होता नहीं है, बहुत कम डिस्टेंस होता है, 100-150 meters का डिस्टेंस होता है बस। वही ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, गाड़ी हमारी यहाँ पर आ चुकी है, और अब बस क्या मतलब नीचे बैठेगा तुमको दिखाऊंगा, बहुत फनी लगता है, कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था जब कैमल नीचे बैठता है। सैमुअल इज एंजॉयिंग हिज राइड। हाउ आई थिंक आई लुक ऑन दिस कैमल, आई एक्चुअली लुक टू वेरी डिफरेंट। तो भाई अब ये बैठने वाला है। व्हाट हैपेंड, वी स्टॉप, दिस इज इट, बी बेटर, ओह शिट द कार्स देयर, ओके। मोली का शोल्डर मेरे मुंह पे लगा भाई, बहुत चीज मैं तुमको रिकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पर आके, कैमल राइड इज नॉट नेसेसरी, लंबी कैमल राइड मत लो, थोड़ा बहुत सैंड ड्यून्स में इधर उधर घूमना हो तो घूम लो, बट लंबी कैमल राइड्स इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि ये पूरा थाई वाइज सब पेन करने लगता है। तो बैक टू नॉर्मल लाइफ दोस्तों, निकल रहे हैं हम वापस, हम अपनी बोलेरो में बैठ के, और ऐसा कुछ सीन दिख रहा है तुमको, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग चलती रहती है यहाँ पर, ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं है, नॉर्मली रोड है, जीप सफारी नहीं हो पाई हमारी, जीप सफारी छूट गई, हमको लगा जीप सफारी भी होगी बट नहीं थी जीप सफारी, कैमल सफारी थी सिर्फ, और अभी वापस जा रहे हैं होटल की तरफ। लेट्स गो। Okay guys, we are saying bye to Molly, bye. Samuel, sexy Samuel and Mr. Ben. Molly, or hopefully we'll meet on the other side someday. Yeah. On the other side. Okay guys, bye-bye. Maybe in the UK. Was nice to meet you. Maybe you come bye, to nice. England. Yeah, sure. When yeah. Maybe we'll. Yeah, sure. We'll go to that rainy show. Okay guys, bye. Bye-bye. उतर गए हैं वापस अपने होटल जा रहे हैं, सबसे पहले तो मेरे को ब्रश करना है, नहाना है, मुंह हाथ धोने, उसके बाद आज का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, बाल बाल तुम देख ही रहे हो क्या भुचड़ हो रहा है एकदम से। तो भाइयों बाहर निकले थे खाना वाना खाने के लिए अपने होटल से, पूरे जैसलमेर में ना बैरिकेडिंग कर रखी है, ये देखो बैरिकेडिंग हो रखी है क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं, तो फोर्स इतनी ज़्यादा एक्टिव दिख रही है ना फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बट अभी हम जा रहे हैं बाइक वाइक का पता करने के लिए, क्योंकि हमारी जो दो डेस्टिनेशन हैं जैसलमेर के अंदर वो कवर करने के लिए शायद हमें बाइक लगेगी, क्योंकि जो बस है जो टाइमिंग्स है वो मैच नहीं कर रही, बस की टाइमिंग मैच नहीं कर रही, इस वजह से हमें बाइक का देखना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा महंगा पड़ेगी, बट वॉट कैन वी डू, सह लेंगे थोड़ा, लेट्स गो। भाई फाइटर जेट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं, अगर तुम्हें आवाज़ आ रही है तो भाई फाइटर जेट्स बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रहे हैं भाई। हम पहुँच गए हैं फोर्ट के इस वाली साइड पे, मतलब हमारा होटल थोड़ा उस तरफ है, हम इस तरफ आ गए हैं बाइक ढूंढते ढूंढते, और ये देख लो
यहाँ से ज्यादा अच्छा व्यू है भाई फोर्ट का। अभी अंदर जाएंगे देखेंगे क्या सिस्टम है। और अभी इतनी ज्यादा धूप है कि तुमको कोई नहीं दिख रहा होगा घूमते हुए, बस हम ही पागलों की तरह भटक रहे हैं इधर उधर। भाई इधर आ रहा है, देखो वही आ रहा है अगर दिख रहा हो तुम्हें। I thought it was you. Bloody hell. Hey boys. Hello. तो हम इधर से जा रहे थे घूमते हुए, हमको हमारे फ्रेंड मिल गए। How much did you pay for one of these? Big car. How much did you pay? He started at 120. 120 rupees. Depends on glass. 120 leaving? Might be 50. Yeah, we're paying 50 now, but he started at 120. After we walked away twice. 50. We'll meet you later because we are required to like rent a bike. Oh, fun. To go to border. सुबह मैं तुम लोगों से बता ही रहा था कि सुबह क्या मतलब अभी दोपहर के टाइम हम वापस चले गए थे होटल की तरफ। हमको लगा कि भाई थोड़ा सूरज डूबेगा तब निकलेंगे क्योंकि काफ़ी कड़ी धूप थी। और मैं तुमको दिखाई रहा था कि भाई कैसे यहाँ पर मिलिट्री मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे, मतलब फाइटर जेट्स उड़ रहे थे। उसमें से एक जो फाइटर जेट है ना तेजस, अभी हमने देखी है भाई खबर, वो जैसलमेर में कहीं क्रैश हो गया। ऑल दो पायलट को कुछ नहीं हुआ, पायलट अभी ठीक है, बट क्रैश हो गया है भाई यहाँ पे। अब जा रहे हैं हम फोर्ट विजिट करने के लिए, देखने के लिए कैसा है सिस्टम कैसा नहीं है। कल तो तुमने सफारी देख ही ली होगी कैसी गंदी रही हमारी सफारी। ऑनेस्टली बताऊं तो अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया, ओवरऑल एक्सपीरियंस में मैं जो है थोड़ा अनसेटिस्फाइड था, ये है बात अभी। वैसे फोर्ट के सामने की तरफ आओगे तो काफ़ी सारे होटल्स दिख जाएंगे तुम लोगों को। अगर तुम ट्राई करोगे ना फोर्ट से दूर लेने की तो तुमको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी जाएगी, जो हम बन चुके हैं ऑलरेडी। तो बेटर तुम्हारे लिए क्या है कि तुम फोर्ट के पास ही लो, फोर्ट के पास थोड़ा सा महंगा मिल जाएगा बट स्कैम होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, तो बेटर है वो। अभी हम बैठ के गए थे यहाँ पर एक दुकान पे, तो जिन अंकल से हम बाइक की बात कर रहे थे ना, तो उन अंकल ने हमें बताया कि सैम ड्यून्स में तुम वैसे भी चले जाओगे ना तो 1500 रुपये में तुमको सब कुछ करा देंगे, जीप सफारी, कैमल सफारी, हर एक चीज़ हो जाएगी 1500 से 2000 में, और बहुत अच्छे रूम्स भी मिल जाएंगे ओवरनाइट स्टे करने के लिए। तो 2000 रुपये मेरे को लगता है कि वहाँ पर जाना बेटर है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो सफारी हमने करी है ना, मेरे दिमाग में वैसी सफारी चल रही थी कि भाई बढ़िया बढ़िया टेंट होंगे, बढ़िया डिनर मिलेगा, फिर ब्रेकफास्ट मिलेगा, और मस्त वहाँ पर जो है एक्टिविटीज़ एंजॉय करेंगे, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी। पर यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा था। और जिस कन्विक्शन से वो बोल रहा था ना होटल वाला भैया हमसे कि भाई ये सब मिलेगा, सब करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो भाई बहुत कॉन्फिडेंस है ऑब्वियसली बोल रहा था वो बेचने के लिए, और हम फंस गए भाई, बस क्या बताएं अब। लेकिन तुम अगर जैसे इसके सामने आओगे फोर्ट के सामने तो बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से भी ले लोगे तुमको ठीक ही मिलेगा मेरे हिसाब से, मैं बजट में भी मिल जाता है। और मेरे हिसाब से ऐसा है कि भाई अच्छी दुकान दिख रही है ना, अच्छा होटल दिख रहा है, अगर वो तुमको महंगे में भी पैकेज दे रहा है तो इसमें ये बेटर है कि तुम थोड़ा महंगा पैकेज ले लो। किसी भी दुकान में चले जाओ, तुमको लगे कि ये पढ़ा लिखा आदमी है तो वो तुमको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। यहाँ जितने भी थोड़े से, मैं अनपढ़ नहीं बोलना चाहता, लेकिन जितने भी ऐसे खोल के बैठे हुए हैं ना, वो सब तुमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, जो एक्चुअली हम बन गए बजट ट्रैवल करने के चक्कर में। ये है भाई फोर्ट की एंट्रेंस, अभी मैं एंटर कर रहा हूँ फोर्ट के अंदर ऑफिशियली। यहाँ पर गाइड बैठे रहते हैं, अगर तुम गाइड वाइड करना चाहते हो तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे सब लोग, बट हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ फोर्ट, यहाँ से देख रहे हो भाई लोग, अब अंदर से थोड़ा और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, बाहर से तो खूबसूरत है ही, अंदर से और खूबसूरत दिखेगा। दोनों तरफ तुम्हें दुकानें दिख जाएंगी, यहाँ से ख़रीदारी हो सकती है, थोड़े एंटीक्स वेंटिक्स खरीद सकते हो जो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं यहाँ पर आप लोगों को। इनमें अभी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं रहते हैं। ऑफिशियली जैसलमेर इसको कहा जाता था, जो फोर्ट के अंदर वाला एरिया है, जो फोर्ट के अंदर वाला एरिया उसे जैसलमेर कहा जाता था जब ये बना था। और फिर 17th century में फोर्ट की वॉल्स के बाहर लोगों ने रहना शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी ऑफिशियली, मतलब वहाँ पर अपना घर बार बनाना शुरू कर दिया था 17th century में, 17th century में, ठीक है भाई। और 860 साल पुराना ये फोर्ट है भाई, जिसमें अभी भी जैसलमेर की 25% पॉपुलेशन रहती है, अंदर की तरफ रहती है, बाहर तो अलग लोग हैं
फोर्ट के अंदर 25% ऑफ द जैसलमेर पॉपुलेशन रहती है। और ऐसे वॉक करोगे तो ऐसे स्टीप है बहुत ज़्यादा। और हमें हमारे फ्रेंड मिल गए थे बेन, मिस्टर बेन, जो हमें वहाँ डेजर्ट सफारी में मिले थे। वो कह रहे थे कि बैठ जाओ रिक्शा में, हमने मना कर दिया, मैंने कहा हम वॉक अराउंड करने आए हैं। और भाई इसे सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। पहला जो लार्जेस्ट है राजस्थान में वो हनुमानगढ़ फोर्ट है, जो थोड़ा सा पंजाब वाली साइड पे पड़ जाता है, और ये थोड़ा इस तरफ है पाकिस्तान वाली साइड पे, मतलब कह सकते हैं जैसलमेर के नॉर्थ साइड पे है, और ये वाला थोड़ा जैसलमेर के वेस्ट साइड पे है, समझ रहे हो। मैं पर्सनली पहला ये फोर्ट ऐसा देख रहा हूँ जिसमें लोग अभी भी रहते हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी तो फोर्ट्स में तुम देखते हो म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर भी एक म्यूज़ियम है, उसकी टिकट 150 रुपये की बता रहे थे बाहर। अब अंदर जाके पता चलेगा। यहाँ पर मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है, जो हमने वहाँ पर भी देखा था अचलगढ़ में, चामुंडा माता का मंदिर। जैसा कि मैं कह रहा था कि म्यूज़ियम में ज़्यादातर फोर्ट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है, बट इसमें अभी भी लोग रह रहे हैं, और एक पार्ट ऐसा है जिसमें म्यूज़ियम है। बाकी तो जिस भी फोर्ट में हम गए हैं उन सबको ऑलमोस्ट म्यूज़ियम्स में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ऐसे नॉर्मली लोग देख सकते हो तुम, दुकानें वुकानें खुली रहती हैं, लोग यहीं पर रहते हैं, घर भी यहीं पे हैं काफ़ी सारे लोगों के। तो भाई फोर्ट के एक कॉर्नर पे पहुंच गए, और मैं तुम लोगों को यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। भाई क्या क्रेजी व्यू है, अरे पूरी जैसलमेर सिटी दिखती है। ये देखो भाई, यहाँ से वहाँ तक सब दिखता है। हमारा उस तरफ है कहीं होटल, वो तुम्हें दिखाऊंगा। अगर यहाँ से सनसेट दिखेगा तो वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि तुमको पता ही है निर्मित के व्लॉग्स और सनसेट का रिश्ता बहुत पुराना है। लेट्स गो। बाकी भाई अगर वॉक अराउंड कर सकते हो ना तुम इसको, तो 5 किलोमीटर का एरिया है टोटल। 5 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा मुझे लगता है, बट अराउंड 5 किलोमीटर्स है, और वॉक अराउंड करने को बहुत ही ज़्यादा है। जैसे एंटर करते हैं ना, तो हम तो वहीं पर चढ़ के आ गए ऊपर की तरफ, और अभी जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बट जो म्यूज़ियम है ना पर्टिकुलरली, जिसमें टिकट है, वो म्यूज़ियम में 150 रुपये का टिकट है। 2-3 म्यूज़ियम में महल भी है बीच में कहीं, और सब में टिकट लगता है, जाके चेक करेंगे। अभी बंद हो गया भाई, बंद ही हो गया, 5 बजे के करीब सब कुछ बंद हो जाता है। तो बंद हो गया गाइस, कोई बात नहीं कोई बात नहीं गाइस, हम तुम्हें बाहर बाहर से दिखा देंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं। भाई ये राजा का महल है, और इसमें अभी एंट्री बंद हो गई है क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए हैं। ये बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, एंटर करते ही यहाँ से मतलब तुमको डायरेक्शंस के लिए पोस्टर्स लगे मिल जाएंगे। ये भाई और रानी का महल है, इसके अंदर एंट्री बंद हो गई है क्या भैया? बंद हो गई है गाइस एंट्री रानी के महल में भी। और नॉर्मली जो महल्स हैं उनमें हम देख ही चुके हैं क्या होता है। मुझे लगता है हमें इसमें देखना चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ओल्ड है, सेकेंड ओल्डेस्ट है ऑब्वियसली, तो ये है सीन। बट कोई बात नहीं, अभी चलते हैं व्यू लेक देखते हैं उधर चल के। लो भाई कैनन व्यू पॉइंट देख लो, यहाँ से पूरे जैसलमेर का तुमको पैनोरामिक व्यू मिलता है। उधर गडेसर लेक भी दिख जाएगी, यहाँ से गडेसर लेक का भी व्यू पॉइंट है। ये देखो पूरे राज, ऐसा बोलते हैं कि बस यहीं पे पानी नहीं सूखता गडेसर लेक में, बाकी कहीं तुम्हें पानी नहीं दिख रहा होगा दूर दूर तक, बस यहाँ पर है भाई गडेसर लेक में पानी, और कहीं तुम्हें पानी नहीं दिखेगा पूरे जैसलमेर में ऐसे। भाई ये देखो बहुत छोटी तोप है यहाँ पे, यहाँ से भी बढ़िया, यहाँ से डेजर्ट व्यू आता है, जैसलमेर नहीं दिखेगा ज़्यादा, बट दूर दूर तक देखोगे तो सिर्फ डेजर्ट दिखेगा दूर दूर तक देखोगे। पर फिर भी जैसे हम सुनते हैं कि राजा हैं अभी भी हैं, तो ऐसा नहीं करता, मन करता है देख लें एक बार जाके यार कैसा रहन सहन है राजा। अभी मतलब जीन्स वीन्स शर्ट वर्ट हमारे जैसे नॉर्मल लोग मुझे कि तुम जितने भी घर देखोगे ना उसमें कहीं ना कोई बिजनेस चल रहा है, जैसे कि कहीं पे कपड़े हैं, कहीं पे कुछ आर्ट क्राफ्ट रखे हुए हैं, तो सबके पास कोई ना कोई दुकान है, और सब कुछ ना कुछ मतलब काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये मेरे को देख के मतलब बहुत अच्छा सा लगा। देखो जो बात मैं कर रहा था ना कि हर जगह तुम्हें ऐसे जैसे घर हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर सब दुकानें लगी हुई हैं, तो सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मोस्टली घर ही हैं लोगों ने, हाँ घरों के नीचे ही मतलब खोला हुआ है बिजनेस छोटा छोटा। तो ये मेरे को देख के अच्छा लगा भाई। ये देखो भाई यार दोनों तरफ येल्लो येल्लो घर दिख रहे हैं, पत्थर जिससे ये घर बनते हैं वो पत्थर यहीं पर ज़मीन में निकलता है, एक तरीके का फॉसिल है ये वाला पत्थर। जो ये पत्थर देख रहे हो ना तुम, इसमें ईंट यूज़ नहीं हुई हुई है घर बनने में, ये पूरा का पूरा पत्थर निकलता है, फिर इसमें पॉलिशिंग वॉलिशिंग होती है, उसको ठीक से कार्व किया जाता है, तो ये उस पत्थर से बने हुए हैं सब घर, कोई ईंट वीट का यूज़ नहीं होता इनमें, पूरे में तुमको सिर्फ पत्थर दिखेगा, कोई ईंट का प्रयोग नहीं है, पत्थर एक के ऊपर एक रख के ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। देखो तो भाई शंकर बाइक्स करके अंकल जी हैं, इनसे हमने कर ली है ये होंडा शाइन,
यही वाली है ना अंकल, होंडा शाइन रेंट कर लिया, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ हो तो कल हम ना फंसे, समझ रहे हो। बस यहाँ पर एक डेंट दिख रहा है फिलहाल मुझे, ये यहाँ पर एक डेंट है बहुत मोटा सा। बाकी तो भाई वो बिल्लू से आखिरी बाय करने का समय हो चुका है। बिल्लू से बाय टू गाइस, से बाय टू गाइस। आँख में लाइट लग रही है इस वजह से देख नहीं रही है प्रॉपरली गाइस, बट तो गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं। अभी फिलहाल मैं आ गया हूँ अपने होटल के छत पे और यहाँ से देखो पीछे में पूरा व्यू दिख रहा है, देख लो पूरा दिख रहा है भाई अपने कैसे चढ़ गई भाई। देखो ये देखो कौन है यहाँ पे, इसको पैम्पर करने के लिए कोई चाहिए ना। देख रहे हो इसे भी व्यू को, इसे भी फोर्ट का व्यू चाहिए बिल्लू, बिल्लू और बिल्लू सांडा। तो आज के इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो शेयर दिस व्लॉग टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और हम मिलेंगे आपसे किसी और तड़कते भड़कते से व्लॉग में जैसलमेर में ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वन गाइज, बाय बाय, टेक केयर, पीस।